नमस्ते, मैं हूं बाबू। आप देख रहे हो हमारे चैनल F5 बाबू। तो आज इस रिव्यू में हम बात करने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक मूवी का टीजर आया है निकल के, उसी के बारे में कुछ हम वार्तालाप करेंगे। उस टीजर को शायद ही कम लोगों ने देखी होगी, लेकिन जितने भी लोगों ने देखी है कमेंट में बता देना आप लोगों को कैसा लगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसी एक एक्टर है जो यूनिक से यूनिक हटके डायलॉग्स जो बोलते है अपनी जुबान पर बोलते है, अब एकदम रियलिस्टिक फील होता है। टीजर से पता चल रहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर पकड़ने वाला है वो एक वकील का रोल प्ले कर रहे हैं इस टीजर में दिखाया गया है। और इस टीजर में जो कुछ भी दिखाया गया है क्राइम ड्रामा पे बेस्ड होगा। टीजर तो ओवरऑल ठीक ठाक था और टीजर में और ऐसी एक हिडन सीन्स देखने को मिल रहा है कि वो एक ऐसी एक क्राइम से मतलब जुड़ जाता है और आखिरी जड़ तक उनका सामना करना पड़ता है, मतलब टीजर में दिखाया गया है। अभी कुछ हम पता नहीं सकते क्योंकि टीजर में तो बस इतना ही दिखाया गया है। और ये फिल्म आएगी 2024 में। इस टीजर का नाम है सेक्शन 108 के तहत ये मूवी बनाया जा रहा है। और एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी शायद, इसका जो मतलब टीजर में जो बैकग्राउंड स्कोर चलते हैं वो एकदम पूरा खुशबम सा आता है और ऐसा वाइब देती है, मतलब है कुछ मूवी में कुछ दिखाएंगे हमको। खैर जो भी हो, लेकिन टीजर तो बहुत मस्त था। अभी ट्रेलर आना बाकी है, उसके बाद हम कुछ डिटेल्स में आप लोगों को रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।